और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को पाकिस्तान तैयार हो गया है। 17 जुलाई को आईसीजे की फटकार के करीब 15 दिन बाद पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से यह दावा किया गया है कि कल यानी शुक्रवार को भारतीय राजनयिक कुलभूषण जाधव से मिलेंगे पाकिस्तान की ओर से। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने यह दावा किया है। अब ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल मीमांसा, देखिए पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया को जो खबर मिली है वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कई शर्तों के साथ काउंसलर एक्सेस भारत को ऑफर किया है और उनका ये कहना है कि अब भारत को रिस्पॉन्ड करना है। आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही मिनटों बाद 4 बजे भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इसमें भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स है और क्या ऑफिशियल स्थिति है, क्या भारत को ऑफर मिला है पाकिस्तान की तरफ से जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस का, तो वो सारी चीजें, सारी तस्वीर है वो क्लियर होगी। लेकिन अभी ये है कि जो पाकिस्तानी मीडिया के तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफर किया गया है भारत को, लेकिन इसमें कई शर्तें लगाई गई हैं, कई बाउंडेशंस हैं, लिहाजा भारत क्या इस ऑफर को स्वीकार करता है, क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं जैसा मैं बता रहा हूं मीमांसा। तो ऐसे में काउंसलर एक्सेस क्या माना जाएगा और क्या भारत प्रस्ताव को स्वीकार करता है, ये बात भी कुछ देर में ये तस्वीर भी। क्या शर्तें लगाई गई हैं बारे में कोई जानकारी? अभी शर्तों की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कहा गया है कि 1-to-1 बातचीत को लेकर उनकी शर्त है कि सीधे नहीं मुलाकात कर सकेंगे, पर्टिकुलर दूरी रहेगी और किसी माध्यम के जरिए बात कर सकेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब उनका परिवार गया था तो पाकिस्तान ने किस तरह से स्थिति क्रिएट की थी, उसी तरह की कहीं ना कहीं शर्तें पहले से पाकिस्तान इस पर प्रपोज कर रहा है। तो भारत इसको मानता है या नहीं ये अभी कुछ देर में पता चलेगा। 4 बजे रवीश कुमार जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इसमें भारत का रुख क्या है वो सामने आएगा। यानी कि ये जो खबर आ रही है ब्रह्म, ये सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है, अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मीमांसा, जो पाकिस्तानी मीडिया अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सोर्सेज के हवाले से ये खबर चला रहा है और उनके हवाले से आ रहा है कि विदेश मंत्रालय ने उनको ब्रीफ किया है कि ऑफर किया गया है भारत को काउंसलर एक्सेस का। अभी भारत की तरफ से ऑफिशियल तौर पर इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर में रवीश कुमार जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, उसमें ये तस्वीर क्लियर होगी क्या पाकिस्तान ने ऑफर किया है कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस और क्या क्या शर्तें लगाई हैं, तो ये तस्वीर कुछ देर में साफ होगी। मीमांसा, चलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से बात साफ की जाएगी। ये काउंसलर एक्सेस का आदेश क्या वाकई दिया गया या नहीं, और अगर शर्तें इसमें लगाई गई हैं तो वो कौन सी शर्तें लगाई गई हैं, और क्या भारतीय विदेश मंत्रालय इसको स्वीकार करता है या नहीं करता है, हमें खबर का इंतजार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन कुछ और खबरें लेकर।